तो ये एक स्वीट्स शॉप है। तो ये भाई बैठे हुए हैं, तो राम राम, क्या नाम है आपका? काफी ओल्ड सिटी है ये देखें, काफी पुराने जमाने का लग रहा है ये देखें। आप मुस्लिम होते हैं, हिंदू हैं? हैं? 13,000 सैलरी है महीने का। ये आटे की चक्की का मालिक कौन है, मुस्लिम है हिंदू है? हिंदू है। उनका क्या नाम है? घनश्याम। देखो यार, ये बेचारा गरीब हिंदू भाई है और इसने थैला उठाया पॉलिश करके, दिहाड़ी का 100 से 200 रुपया, कभी 300 भी बन जाता होगा, 250 भी। तो इस तरह से ये कमा कर घर लेकर जाता है खाना वगैरह, आटा वगैरह पकाने के लिए भाई। तो ये देखो, और इसका कपड़े ये देखो, ये फटा हुआ ये। नमस्ते, राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका अगेन से एक और नए व्लॉग में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर आए हुए हैं अमरकोट के पास ही, एक शहर है जिसे छोर शहर कहा जाता है, छोर सिटी एक छोटा सा बना हुआ है, ठीक है। तो आपको अभी वो विज़िट करवाने वाले हैं, जो कि बहुत पुराना सिटी है ये, और काफ़ी एक आप कह सकते हैं कि पुराने दौर का सिटी आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ पुराने दौर की चल रही है। तो आपको छोर सिटी विज़िट कराएंगे। तो राइट ना मैं मौजूद हूँ, तो ये देखें, ये छोर सिटी और ये चौक है, और इस चौक का क्या नाम है कोई पता नहीं है, ठीक है। ये देखें, यहाँ पर कोई दुकानें वगैरह हैं और यहाँ पर एक शॉप है, तो यहाँ पर चलते हैं और आपको मिलवाते हैं। ये देखें, ये शॉप है और यहाँ पर उर्दू में लिखा हुआ है दांदल स्वीट्स, ठीक है। तो ये एक स्वीट्स शॉप है। तो ये भाई बैठे हुए हैं, तो राम राम, क्या नाम है आपका? तो भाई का नरेश कुमार नाम है। तो ये इन्होंने दुकान लगाई हुई है स्वीट्स की, यानी कि मिठाइयों की, जिसमें ये जलेबी है, समोसा पकौड़ा, और ये बूंदी है, ठीक है, और ये पकौड़ियाँ हैं, ये संगरी है, क्या बोलते हैं इसको, ये इसको गांठिए, क्या बोलते हैं, भुजिए, भुजिए, अच्छा भुजिए, और ये पापड़, नमक, क्या कहते हैं, नमक पापड़ है ना, सही। तो आप ये कब से चला रहे हैं दुकान? ये 10 साल से। 10 साल से चला रहे हैं, अच्छा सही। तो क्या दिहाड़ी बन जाती है? दिहाड़ी अच्छी बन जाती है। अच्छा सही, आप हिंदू हैं मतलब के, सही। यहाँ पर इस, ये शहर है या गाँव है? ये शहर है। शहर है ना, इस शहर में कितने हिंदू बैठे हुए हैं? कारोबार हिंदुओं का है, कोई मोहल्ला नहीं है। अच्छा, कारोबार है मतलब, यहाँ पर दुकानें हैं सिर्फ हिंदुओं की, गांव की तरह हिंदुओं का यहाँ पे। यहाँ से कितना दूर में है? हमारा गांव है अपना सुनोई। अच्छा सही, कितना दूर होगा यहाँ से? ये 4-5 किलोमीटर होगा। 4-5 किलोमीटर। कितने हिंदू बैठे हुए हैं? हमारे तो गांव पूरा हिंदुओं का है, सारे हिंदू बैठे वहाँ पे। अच्छा अच्छा सही। अभी यहाँ पर हिंदुओं की कितनी दुकानें हैं? दुकानें काफ़ी है। अच्छा सही, मतलब मिक्स हैं सभी, मुस्लिम और हिंदू सभी मिक्स हैं, ठीक है। और ये पास वाली दुकान ये किसकी है? ये मुसलमान है। सही सही, चलें, बहुत धन्यवाद आपका। तो चलें दोस्तों, आपको मज़ीद और विज़िट करवाते हैं ये शहर, ठीक है, लेकर चलते हैं आपको। तो ये देखें, ये शहर है और यहाँ पर डिफरेंट दुकानें हैं, ये आप देख सकते हैं, ये देखें जी। और ये सब्ज़ी का यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है, इनसे रेट पूछ लेते हैं सब्ज़ियों के दाम के, यहाँ पर ये क्या है। भाई कैसे हो आप लोग, ठीक हो? क्या नाम है आपका? अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरखो भील। हरखो भील, आप हिंदू हैं और आप मुस्लिम हैं? अच्छा अच्छा सही। ये स्टॉल किसका है? मेरा है। आपका है? आप सब्जी बेच रहे हो? क्या रेट चल रहा है सब्जी का? सब्जी का ये पड़ा है 100 रुपए। इसका क्या रेट है? 150। टमाटर 100 रुपए। 100 रुपए किलो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो दोस्तों ये देखें, ये सब्जी यहाँ पर पड़ी हुई है, मुख्तलिफ सब्जी हैं। और ये मटर है, मटर का क्या रेट है? 150 रुपये पाओ। जी नहीं, 50 रुपये, यानी 200 रुपये किलो। 200 रुपये किलो है भाई। ये देखो, गाजर भी है, खीरा भी है, और बंद गोभी भी है। फ्रूट्स में जैसे कि किन्नू हो गया, सेब, तो ये देखें बेर भी पड़े हुए, वो देखें सामने वो बेर पड़े हुए, वो गोभी पड़ी हुई है। सही, गोभी का क्या रेट चल रहा है? 150। मिर्च का, हरी मिर्च जो होती है, 50 रुपये, यानी ये भी 200 रुपये किलो चल रही है। अच्छा सही, सेब क्या रेट चल रहा है? 400 रुपये किलो, 200-250 रुपये किलो। अच्छा, मुख्तलिफ रेट हैं, मुख्तलिफ वैरायटी यानी के। अच्छा सही सही, चलें, बहुत धन्यवाद आपका। आपने ये स्टॉल लगाया हुआ है? ये आपका स्टॉल है? नहीं, ये मेरा नहीं, भाई का है। अच्छा शॉप है। अच्छा, आपकी कौन सी शॉप है? मेरे आगे वाली शॉप है। किस चीज़ की? कन्फेक्शनरी है? कन्फेक्शनरी है। अच्छा 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 सही। भैया आपके क्या नाम है? अली। अली, आप क्या काम करते हो? काम नहीं करते, बेले हैं। अच्छा चलें, कोई बात नहीं, सही है। तो चलें दोस्तों, मज़ीद आगे चलते हैं और आपको विज़िट करवाते हैं। ये देखें,
यहाँ पर मुख्तलिफ दुकानें हैं जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी ये देखें तो डिफरेंट, ये एक मुझे दुकान दिख रही है, चंद्र कुमार लिखा हुआ है, बजीर है ये भी। ठीक है, इनके पास चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो ये देखें जी, ये भाई भाई राम राम, आप हिंदू हैं? जी हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार, बजीर जाद है आपकी? जी हाँ, बाय कास्ट बजीर। अच्छा अच्छा, बाहर लिखा हुआ मैंने पढ़ा ना तभी। सही है, तो ये आप किराने की दुकान खोल कर बैठे हुए हैं, कैसा चल रहा है काम? हाँ, कितनी दिहाड़ी बन जाती है? दिहाड़ी यार इसमें पता नहीं है, ये हवाई रोजी अपनी। हवाई रोजी, फिर भी अंदाजा? इसमें कभी 2000 मिल जाता है, कभी 3000 मिल जाते हैं, इसका कोई पता नहीं चलता है कितनी दिहाड़ी रोजी मिल रही है। हाँ, यहाँ पर कितनी दुकानें होंगी हिंदुओं की? कोई आइडिया नहीं भैया। क्या मतलब, आप यहाँ पर रहते हैं, आपको पता? यहाँ पे तकरीबन 100 से प्लस है। 100 से प्लस दुकानें हैं। सही, वही मैं पूछ रहा हूँ कि मुस्लिम भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, हिंदू भी कर रहे हैं, तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि हिंदुओं की कितनी दुकानें होंगी, मतलब कि 100-100 प्लस हैं? हाँ, 100 प्लस हिंदुओं की दुकानें हैं। अच्छा अच्छा, सही। आप कहाँ पर रहते हैं? असल में हमारी रहिश है उमरकोट में। उमरकोट में? उमरकोट यहाँ से कितना दूर है? 25 से 26 किलोमीटर है। आप डेली आते जाते हैं? डेली आते हैं। अच्छा, किस पे आते हैं, बाइक पे? गाड़ी में आते हैं। गाड़ी है, ये वाली गाड़ी है? तो भाई गाड़ी पे आते हैं भाई, ये भाई की गाड़ी है, आल्टो गाड़ी। आल्टो कोरे कोरे है ना, तो कोरे गाड़ी है भाई की। ये देखो, इस पे आते हैं काम करने के लिए। यहाँ पर ये छोटी सी शॉप है, ये देखें सन घी रखा हुआ है। क्या प्राइस है सन का? 1000 रुपये डब्बा, 2.5 किलो। 2.5 किलो का 1000 का? 1000। अच्छा सही। तो चलें दोस्तों, आपको मजीद और विजिट करवाते हैं ये छोर शहर जो है। ठीक है, तो ये देखें भाई, काफ़ी ओल्ड सिटी है ये। ये देखें, काफ़ी पुराने ज़माने का लग रहा है, ये देखें। ठीक है, और यहाँ पर ये चारपाई का काम किया जा रहा है, चारपाई बनाई जा रही है। ठीक है, और यहाँ पर इस तरह की गाड़ियाँ चलती हैं, पुरानी गाड़ियाँ, ये देखें, कुछ इस तरह की गाड़ियाँ चलती है यहाँ पर, ये देखें भाई। इस भाई से बात करते हैं, सामने बैठे हुए हैं, तो इनके पास चलते हैं। तो भाई कैसे हो, क्या नाम है आपका? भाई पता नहीं क्या हो गया, डर गया है पता नहीं, भाई बोला ही नहीं। हाँ भाई, चाचा क्या हाल है, ठीक हो? क्या नाम है आपका? शरीफ। सही, आप मुस्लिम होते हैं? ने? आप मुस्लिम होते हैं? हिंदू हैं? शरीफ नाम आपका? अच्छा अच्छा, सही। वो आपने शरीफ नाम बताया, मैं समझा मुस्लिम है। सही, आपकी ये चक्की आपकी है? मजदूर। आप मजदूर यहाँ पर काम करते हैं दिहाड़ी के बेस पे? कितनी दिहाड़ी मिल रही है? 13000। 13000 सैलरी है महीने का? अच्छा, तो गुजारा चल रहा है? हाँ सही सही। चले तो दोस्तों, ये देखें, ये आटे की चक्की है। ये आटे की चक्की का मालिक कौन है, मुस्लिम है हिंदू है? हिंदू है। उनका क्या नाम है? घनश्याम। घनश्याम, घनश्याम बजीर, बजीर जात यहाँ पर ज़्यादा रहती है ना? सही सही, चले बहुत धन्यवाद आपका। आपके क्या नाम है भाई? हाँ, ये बोल रहे हैं कि आगे आओ, मेरी दुकान आगे है। ये देखो जी, ये इनकी शॉप है। क्या हाल है, ठीक है? क्या नाम है आपका जी? अहमद अली। आप मुस्लिम होते हैं? मैंने कहा आप मुस्लिम होते हैं। अच्छा सही, कौन सी दुकान है आपकी, ये वाली? ये वाली स्पेयर पार्ट्स। सही, तो कैसा चल रहा है काम? सही चल रहा है। हम पंजाब से आए हैं, पंजाब से, पंजाब रहीमियार खान से। रहीमियार खान से जी? नहीं बस, बहुत धन्यवाद, थैंक यू आपका। तो ये किसकी शॉप है जी? हमारा यूट्यूब चैनल है, हाँ उस पे काम कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? हरीश। हरीश कुमार। तो भाई ये हरीश कुमार है, और इसने थैला उठाया हुआ है, ये देखो दिखाना थैला। ये पॉलिश कर रहे हो आप? हाँ। शूज पॉलिश करते हो? अच्छा, कितना लेते हो एक पॉलिश करने का? 30 रुपए लेते हो? कितनी दिहाड़ी बन जाती है? 200 बन जाती है? अच्छा, तो 200 से गुजारा होता है? सही है। सही हो जाता है? सही है। हाँ, आपके पापा क्या काम करते हैं? वो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करते नहीं। क्यों? वो फोड़ा है। अच्छा अच्छा, मतलब के वो माजूर हैं, फोड़े हैं, मतलब बुढ़े हैं। सही है, तो और आपका कोई बड़ा भाई नहीं है? नहीं। आप लोग सिर्फ अकेले? हाँ। आप घर को चला रहे हो? हाँ। तो 200 से घर कैसे चलता है? आटा ले जाता हूं। सब्जी वगैरह भी होती है, और भी बहुत सारे काम होते हैं, और भी खर्चे होते हैं, वो कैसे करते हैं? नहीं करते खाते, क्यों नहीं खाली आटा, ये टमाटर ले जाते।
अच्छा 200 में सब कुछ आ जाता है ये? हाँ। 200 जो कमाते हो हाँ। वो एक ही दिन में खर्च हो जाता है हाँ। फिर निकल पड़ते हो हाँ। मेहनत करने के लिए। अच्छा देखो यार, ये बेचारा गरीब हिंदू भाई है और इसने थैला उठाया पॉलिश करके, दिहाड़ी का 100 से 200 रुपया, कभी 300 भी बन जाता होगा, 250 भी, तो इस तरह से ये कमा कर घर लेकर जाता है खाना वगैरह, आटा वगैरह पकाने के लिए भाई। तो ये देखो, और इसका कपड़े, ये देखो ये फटा हुआ ये, तो भाई ये भाई बच्चे की हालत चेक कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो दोस्तों ये था छोर सिटी जो मैंने आपको विजिट करवाया, डिफरेंट हिंदुओं से मुलाकात की, कुछ मुस्लिम लोगों से भी मुलाकात की और डिफरेंट दुकानें आपको दिखाई। आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू।